इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं लुब्रिकेशन और लुब्रिकेंट के बारे में। अब एक गुड लुब्रिकेंट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, उसमें निम्नलिखित प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इसमें पहला लिखा हुआ है, इसके प्रयोग से मशीन पर रस्ट नहीं लगना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी, ये गुण लुब्रिकेंट में होना चाहिए ताकि इसके प्रयोग से जिस मशीनिंग पार्ट्स पे इसको यूज़ किया जा रहा है वो उस पर जंग या रस्ट ना लगाए। इसका सेकंड दूसरी प्रॉपर्टी है, यह ऑपरेटर के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये जो इसको यूज कर रहा है ये उसके लिए भी हानिकारक नहीं होना चाहिए। तीसरा प्रॉपर्टी है, इसमें ताप को सहने की क्षमता होनी चाहिए, यानी कि मशीनिंग के दौरान यदि जितना हीट जनरेट होती है उससे अधिक इसका उस ताप को यह सहन कर सके, यह उस यह प्रॉपर्टी भी इसमें होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर चौथा, इसमें ऑयलिनेस का गुण होना चाहिए। ऑयलिनेस का मतलब है कि लुब्रिकेंट जिस मशीनिंग पार्ट्स पर लगाए उस मशीनिंग पार्ट्स में ये उस पर चिपक सके, तो ये गुण इसका ऑयलिनेस का गुण कहलाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि एक लुब्रिकेंट में होना जरूरी है, जैसे कि मशीनिंग पार्ट्स पर रस्ट न रिएक्शन न करे या उसको उस पर जंक न लगाए। सेकेंड, क्योंकि ऑपरेटर मशीन पे वर्क करता है तो ये उसके लिए भी हानिकारक नहीं होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी है, यह ताप को सहन करने की क्षमता होनी चाहिए इसमें, ताकि ये कम ताप पर आसानी से इवेपोरेट ना हो। और चौथा प्रॉपर्टी है इसका कि ये मशीनिंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करे या उस पर चिपके, तो इस गुण को उसका ऑयलिनेस कहा जाता है। पॉइंट्स नंबर 10 है हमारे पास, कूलेंट क्या होता है। ठीक है, तो मशीनिंग प्रोसेस के दौरान टूल्स को ठंडा रखना और टूल को ब्लंट होने से बचाने के लिए, अच्छी फिनिशिंग के लिए जिस लिक्विड या फ्लूइड का प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं हम कूलेंट। कूलेंट का मतलब है ठंडा करने से। ठीक है, कूलेंट के प्रयोग से कटिंग टूल हाई स्पीड पे वर्क कर सकता है, क्योंकि यह मशीनिंग प्रोसेस के दौरान उत्पन्न हुई या जनरेट हुई हीट को डिसिपेट कर देता है। ठीक है, सेकेंड है, कटिंग चिप्स हमारे कूलेंट के साथ बहकर चले जाते हैं जिससे स्क्रैचेस होने की संभावना नहीं रहती है पार्ट्स पे, और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द मशीन बढ़ती है क्योंकि मशीन हाई स्पीड पे काम कर सकती है, टूल ब्लंट नहीं हो सकता है। तो ये सम प्रॉपर्टीज ऑफ द कूलेंट। अगला टॉपिक हमारे पास टाइप्स ऑफ लुब्रिकेंट। ठीक है, लुब्रिकेंट एक लिक्विड है, ये एक सॉलिड है। ठीक है, जो कि मशीनिंग पार्ट्स को लुब्रिकेट करता है और उनके रिलेटिव पार्ट्सों के बीच जो फ्रिक्शन होता है उसको कम करता है और मशीन की लाइफ को बढ़ाता है। तो ये हमारे पास लिक्विड होता है, सेमी लिक्विड होता है और सॉलिड होता है। ठीक है, तो लिक्विड लुब्रिकेंट में ये तरल पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं और इनको इनका उत्पत्ति के अनुसार इनको हमने कैटेगराइज किया हुआ है। तो पहला है इसमें एनिमल ऑयल, ठीक है, जो एनिमल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। दूसरा है मिनरल ऑयल, ठीक है, इसको हम डिस्टिलेशन प्रोसेस क्रूड ऑयल से बनता है। ठीक है, सिंथेटिक है ये हमारे, ये भी केमिकली मैन्युफैक्चर होते हैं सिंथेटिक। तो आदि तरह से हमने लिक्विड ऑयल को कैटेगराइज किया है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा
इनका वर्गीकरण निम्नलिखित किया गया है, जैसे है ऑटोमोटिव लुब्रिकेटिंग ऑयल, रेल रोड लुब्रिकेटिंग ऑयल, इंडस्ट्रियल लुब्रिकेटिंग ऑयल आदि के रूप में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा इनका वर्गीकरण किया गया है। इसमें इन्होंने अलग अलग मशीनिंग ऑपरेशन के अनुसार भी इनको आगे वर्गीकृत किया है, जैसे है स्पिंडल ऑयल, मशीन में जो स्पिंडल रोटेट करता है उसके लिए जो ऑयल यूज किया जाता है उसके अनुसार क्या है, इस ऑयल को उसकी विस्कोसिटी एंड फ्लैश पॉइंट की ग्रेड के रूप में बांटा गया है, जैसे सर्वोपिन 2, सर्वोपिन 22। गियरबॉक्स में जो भी ऑयल यूज किया जाता है, सर्वो में 68, सर्वो में 680 आदि लुब्रिकेशन ऑयल है जिनका कैटेगराइजेशन इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा किया गया है। दूसरा टाइप्स है लुब्रिकेंट का, सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, यानी कि इसमें बहने का गुण थोड़ा कम होता है इसलिए इसको सेमी लिक्विड कहा गया है, इसकी विस्कोसिटी अधिक होती है। इस वर्ग में जो भी लुब्रिकेंट आता है वो दैट इज सेमी लिक्विड लुब्रिकेंट, और वह है हमारा ग्रीस। अब ग्रीस के निम्नलिखित टाइप्स होते हैं, सोडियम बेस ग्रीस, कैल्शियम बेस ग्रीस, एल्यूमिनियम बेस ग्रीस। ठीक है, इसको आगे जानते हैं ये क्या होते हैं। सोडियम बेस ग्रीस यानी इसमें सोडियम जो हमारा धातु है वो होता है, तो इस प्रकार का जो भी ग्रीस है उसका प्रयोग हम अधिक स्पीड वाले मशीन पे करते हैं, जहाँ पे मशीन अधिक स्पीड पे चलती है, तो ये पॉइंट याद रखने वाली है। सेकेंड है कैल्शियम बेस ग्रीस, इसमें कैल्शियम धातु होता है, इस प्रकार का जो ग्रीस है इसका प्रयोग जहाँ पे लो स्पीड होती है मशीन की, ठीक है, वेयर इज लो स्पीड ऑफ द मशीन वी यूज द कैल्शियम बेस ग्रीस देयर। ठीक है, एल्यूमिनियम बेस ग्रीस, इसमें एल्यूमिनियम धातु होता है, ठीक है, और ये अधिकतर स्लाइडिंग सरफेसों पे यूज किया जाता है, जैसे हमारा लेथ मशीन में कैरी स्लाइड करता है बेड के ऊपर, ठीक है, प्लानर हो गया इत्यादि मशीनों पे, तो ये एल्यूमिनियम बेस ग्रीस है हमारा, स्लाइडिंग सरफेस पे यूज किया जाएगा। लुब्रिकेंट का तीसरा टाइप है सॉलिड बेस लुब्रिकेंट, ठीक है, सॉलिड का मतलब है ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ये सॉलिड या ठोस अवस्था में होता है, इसका प्रयोग हम वहाँ पे प्राय वहाँ पर किया जाता है जहाँ पे मशीनिंग के दौरान ये हीट अधिक जनरेट होती है, अधिक प्रेशर के कारण अधिक हीट जनरेट होती है, तो वहाँ पर इस प्रकार का लुब्रिकेंट यूज किया जाता है। इसमें हमारा प्राय ग्रेफाइट को यूज किया जाता है, तो ग्रेफाइट एक कार्बन का प्रारूप है जैसे हम जानते हैं, ठीक है, और ये लुब्रिकेंट के रूप में भी यूज किया जाता है, इसको ग्रेफाइट को ये या तो हम अकेले यूज करते हैं या किसी अन्य ऑयल के साथ या ग्रीस के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे जिस मशीनिंग प्रोसेस में अधिक हीट जनरेट होती है। इसमें हमारे जो सॉलिड लुब्रिकेंट में आते हैं वो हैं माइका, टॉल्क, वैक्स, सोप स्टोन, ये निम्नलिखित हमारे सॉलिड लुब्रिकेंट के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इनका यूज होता है ड्राई लुब्रिकेंट, लुब्रिकेटेड बियरिंग में होता है, फूड इंडस्ट्री में होता है, मशीनिंग शॉप में होता है, बॉल बियरिंग में होता है, और हमारे जो ताले होते हैं लॉक्स, लॉक में भी ये ग्रेफाइट का यूज होता है। तो ये हमारा इस तरह से लुब्रिकेंट है जो कि मशीनिंग
लाइफ को और मशीनिंग प्रोसेस को सरल बनाते हैं। पॉइंट नंबर 12 है हमारे पास, किस मेटल के ऑपरेशन के लिए कौन सा कोलेंट यूज किया जाए। जैसे इससे पहला है माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के लिए यूज करेंगे हम सॉल्युबल ऑयल, ठीक है। एल्यूमिनियम के लिए करेंगे केरोसिन ऑयल, और कास्ट आयरन के लिए करेंगे ड्राई एयर। कास्ट आयरन में ड्राई कंप्रेस्ड एयर यूज किया जाता है। कास्ट आयरन एक ऐसी धातु है जिसमें हम लुब्रिकेंट का यूज नहीं करते हैं, केवल ड्राई एयर को मशीनिंग के दौरान यूज किया जाता है। कॉपर में सॉल्युबल ऑयल यूज करेंगे। तो ये हमारा लुब्रिकेंट और कूलेंट के बारे में था। अब मशीनिंग पे इनका एप्लीकेशन कैसे किया जाए, उनके कुछ मेथड है हमारे पास, ठीक है। तो मेथड्स ऑफ लुब्रिकेशन, मशीन पे लुब्रिकेशन तीन विधियों से करते हैं हम, ग्रेविटी फीड, फोर्स फीड एंड स्प्लैश मेथड। पहला ग्रेविटी फीड को समझते हैं। ग्रेविटी फीड से मतलब है इसमें ग्रेविटेशन फोर्स का यूज करके लुब्रिकेंट को मशीनिंग पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है, और इसमें जो भी लुब्रिकेंट होगा उसको हम एक लुब्रिकेटर में लेके किसी माध्यम के द्वारा मशीनिंग स्पेसिफिक पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। इसके अंतर्गत निम्न लुब्रिकेटर आते हैं, जैसे विक फीड लुब्रिकेटर, विंकले ऑयल, सॉलिड फीड लुब्रिकेटर एंड ऑयल कैफ या ऑयल कैन, ठीक है। इसमें फिगर दिखा रखा है, जैसे विक फीड है, विक का मतलब होता है धागा, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा ये कप है इसमें लुब्रिकेंट ऑयल भरा जाता है और इसे मशीनिंग मशीन से थोड़ा किसी ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि ग्रेविटेशन फोर्स का एडवांटेज मिल सके, और विक के माध्यम से मशीनिंग पार्ट्स तक लुब्रिकेंट को ले जाया जाता है। ये हमारे पास है ऑयल कप, ऑयल कप के द्वारा हम इसमें भी लुब्रिकेंट भर के पार्ट्स को मैन्युअली लुब्रिकेशन किया। ये हमारे पास फोर्स फीड लुब्रिकेटर, तो फोर्स फीड में हम क्या करते हैं, पंप की सहायता से या हैंड की सहायता से किसी मैकेनिकल उपकरण के माध्यम से जो लुब्रिकेंट होता है उसको मशीनिंग पार्ट्स तक पहुंचाया जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं पंप के माध्यम से मशीनिंग पार्ट्स तक के लिए हमने लुब्रिकेशन का सर्कुलेशन करते हैं। यहाँ पे पंप से लीवरेज लिया जा रहा है, ये हैंड पंप प्रेशर फीड वाला मेथड है। ये प्रेशर गन है जिसमें हम स्प्रिंग के माध्यम से इसको चला के लुब्रिकेट किया जाता है पार्ट्स को। और लास्ट में हमारे पास ऑयल कैन, ऑयल कैन विधि में इंडिविजुअली मशीनिंग पार्ट्स को लुब्रिकेशन किया जाता है। और तीसरा मेथड होता है हमारा स्प्लेस मेथड, जिसमें कि मशीनिंग शाफ्ट पे रिंग लगी होती है, रिंग ऑयल के सम्प में डूबी हुई रहती है, जब शाफ्ट ऑपरेट होती है घूमती है तो रिंग अपने साथ ऑयल को लेके मशीनिंग पार्ट्स को ऑपरेशन करती है। तो ये इस लुब्रिकेंट कोलेंट चैप्टर से संबंधित हमारे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे, जिससे हमें जाना समझा। और इससे संबंधित आप रिवीजन करें तो काफ़ी कुछ क्लियर होगा। थैंक यू।